हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सक्सेस क्लास यूट्यूब चैनल। आज 4 जून और 4 जून से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो वो फ्रेंड किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए। देखो, इनका जो पूरा नाम है वह दीप्ति भगवान शर्मा, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ 24 अगस्त 1997 आगरा के सहारनपुर के अंदर। और जो ये बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर से बैटिंग करते हैं, और जो टीम के अंदर इनका पद रोल होता है, ये ऑलराउंड के बॉलिंग बनाते हैं और ऑलराउंड के रूप में खेलते हैं। इन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच का प्रारंभ 28 नवंबर 2014 से किया था, और अब तक इन्होंने टोटल वनडे मैच 54 खेल चुकी है। इनमें से 54 मैचों के अंदर इन्होंने 1417 रन बनाए हैं। और T20 की शुरुआत इन्होंने 2016 से की थी, उसमें अब तक इन्होंने 48 मैच खेल चुकी है, उनमें ये 423 रन बना चुकी है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार ने कोरोना के प्रयास को रोकने के लिए सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है? तो यह दिया तमिलनाडु सरकार ने। और जो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई, और तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है 130,058 वर्ग किलोमीटर, और जो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1773 के अंदर। और जो तमिलनाडु सरकार के जो मुख्यमंत्री है वह है के पलानी स्वामी, और इनका जो कार्यकाल है 16 फरवरी 2017 से स्टार्ट हुआ था और 16 फरवरी 2022 को खत्म हो जाएगा। और इनका जन्म 22 मई 1924 में समलापुर तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। तो 3 जून को क्यों, कब से मनाया जाता है, यानी कि जो अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को अंतरराष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था, इसलिए कब मनाया जाता है, ये 3 जून को, यानी कि 3 जून क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे। अगला क्वेश्चन है अपना, किस चक्रवाती तूफान के कारण महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया? तो यह निसर्ग तूफान। देखो, मौसम विभाग के अनुसार जो साइक्लोन ई एटलस के मुताबिक 1891 के बाद पहली बार अरब सागर में महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के आसपास समुद्री तूफान की स्थिति बन रही है। यानी कि जो इससे पहले जो तूफान आया था वो संभावना बनी थी, वो दो बार बनी थी, पहली 1948 को और दूसरी 1980 को, लेकिन बाद में तूफान आने की स्थिति टल गई थी। और जो निसर्ग तूफान है इसकी गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया आदेश गुप्ता को, और यह मनोज तिवारी की जगह लेंगे। इससे पहले जो आदेश गुप्ता थे वो पहले उत्तर दिल्ली के मेयर थे। अगला क्वेश्चन है अपना, चीन में एशिया का सबसे महंगा तलाक हुआ है, तलाक से महिला को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? तो ये मिले 24,243,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। जो ये महिला थी उस महिला का नाम है युआन लिपिंग, जिनकी उम्र 49 वर्ष और वह एक कनाडा की नागरिक है, जो इनके तलाक के बाद रातों रात अरबों रुपए की मालकिन बन गई, और जो उसका पति था उसका नाम था वेयन। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। तो 2 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद तेलंगाना 29वां राज्य बना था, और उसी दिन के लिए याद रखने के लिए जो इसका तेलंगाना गठन दिवस है वो कब मनाया जाता है, 2 जून को। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वह के चंद्रशेखर राव, और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 17 फरवरी 1953 चिंता मदका मेदक तेलंगाना में। और जो यहाँ की राज्यपाल है वह
तमिल से सोदर राजन जो कि एक महिला है और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ 2 जून 1961 में नागेर कोइल, और जो इनका दल है पार्टी का वह है ये बीजेपी पार्टी से है, और जो तेलंगाना, और जैसा कि तेलंगाना कौन सा राज्य है 29वें नंबर का राज्य है। अगला क्वेश्चन है अपना हॉल ऑफ फेम का हिस्सा रहे नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के शीर्ष 50 खिलाड़ियों में शामिल किस 74 वर्षीय खिलाड़ी का निधन हुआ है, तो हुआ है वेस अंसेल्ड, और इनका जो मृत्यु हुई है वो हुई है 2 जून 2020 को। देखो जो, और अगला क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किस सरकार ने किया, तो जो दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है वो केजरीवाल की सरकार ने किया है, और उनकी जो सरकार पार्टी का नाम है वो आम आदमी पार्टी। और जो ऐप है इस ऐप के माध्यम से ऐसे पता चल जाएगा, इस ऐप से पता चल जाएगा कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड या वेंटिलेटर खाली है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के रक्षा मंत्री ओलरेस पेली ने भारत को किस लड़ाकू विमान की समय पर डिलीवरी का आश्वासन दिया, तो है राफेल लड़ाकू विमान। और जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उन्होंने कहा कि 20 जुलाई के अंत तक भारत को पहले 4 राफेल फ्लाइटर प्लेन मिल जाएंगे। फ्रांस ने सीधा ये हरियाणा अंबाला स्थित एयरबेस में उतारे जाएंगे, और इसमें 3-2 सीटों वाला ट्रेनिंग प्लेन होगा जबकि एक फाइटर प्लेन होगा। ये प्लेन पहले मई में ही आने थे लेकिन कोरोना संकट के चलते हुए 2 माह के लिए टाल दिया गया। और भारत फ्रांस के बीच जो 2016 में 36 राफेल विमान की खरीद के लिए 60,000 करोड़ रुपए का करार हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपना गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो यह किया गया 2 जून 2020 को। और जो वर्तमान में जैसे पहले जो गायत्री कुमार थी वह बेल्जियम लक्समबर्ग और यूरोपियन यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत की सेवाएं दे रही थी, और जो गायत्री कुमार है वह 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेगी। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को किस सम्मेलन में शामिल होने का मौका दिया, तो है G7 सम्मेलन। तो जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों में कोविड-19 की स्थिति और भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद स्वास्थ्य संगठन में सुधारों की जरूरत के अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है जो लास्ट क्वेश्चन वीडियो का आंसर था उसका आंसर है जो क्वेश्चन था वो था विश्व दूध दिवस यानी विश्व मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 1 जून को। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, रेसलिंग फेडरेशन ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा गया, ऑप्शन ए है विनेश फोगाट, बी साक्षी मलिक, सी सुनील दत्त, डी विजय सिंह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।